दे बेटा दे। सो हे गाइज वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल योर झारखंडी ब्लॉग। कैसा हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। मैं अभी बहुत ही मस्त हूँ और फाइनली गाइज देख सकते हैं सब कोई खड़ा है लाइन से। कुछ दोस्त लोग हैं, कुछ भैया लोग हैं, तो एक बार हाई कर दीजिए भैया लोग, दोस्त लोग। तो देख सकते हैं गाइज सब कोई है, लगभग 8-9-10 गाड़ियां हैं और अभी हम लोग निकलने वाले हैं पूरा दुर्गा पूजा को घूमने के लिए। पूरा जमशेदपुर के जितने भी पॉपुलर पंडाले होंगे सब कुछ हम लोग देखने के लिए निकलेंगे। अभी लगभग अभी निकले नहीं गए, कुछ पंडाल पे आए हुए हैं और उसके बाद पूरा जमशेदपुर घूमने वाले हैं। 2022 दुर्गा पूजा का मैं पूरा पंडाल दिखाने वाला हूँ। तो चले गए, बिना टाइम वेस्ट को इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। ये रहा गाइस बारेडी का पंडाल, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो। तो इसके अंदर का भी व्यू मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले अंदर चलते हैं और आपको पूरा व्यू दिखा। শিউলি ফুলের নলক দেব দেব কাজের চুড়ি খোপায় আমি বেঁধে দেব হলুদ চুল লা ঝুরি দুপুর দেব ঝুমকো লতার কলকা পাড়ের শাড়ি শালুক ফুলের মেঘ মলুকে হাওয়া টানে तो गाइस फाइनली अब आ चुका है मुरी और आप लोग यहाँ का व्यू देख सकते हैं गाइस कितना ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ कुछ मक्खी टाइप का बनाया गया है, कुछ यूनिक डिज़ाइन दिया गया है। भीड़ तो इतना ज़्यादा है गाइस कि ब्लॉगिंग में करूँ क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इसका सिनेमैटिक लुक आपको मिल जाएगा गाइस, बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग रहा है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आगे की ओर देखते हैं। सो गाइस देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा भीड़ और काफी ज्यादा मेरे फ्रेंड्स लोग खड़े हैं। एक बार हाई कर दो बच्चे लोग। कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस? मस्त, नाइस, बढ़िया बढ़िया। सो गाइस फाइनली अब आ चुके हैं ढोलकपुर। आप लोग देख सकते हो ये रहा ढोलकपुर, काफ़ी बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। आप लोग देख सकते हो पूरा ढोलकपुर को बनाया गया है। तो चलिए इसके अंदर का इंटीरियर देखते हैं, फिर आपको मैं पूरा बता दूँगा। तो गाइस देख सकते हैं ढोलकपुर, इधर छोटा भीम और ये गाइस देख सकते हैं आप लोग भोलू और ऊपर में हम लोग का प्यारा सा श्यामल गुबलर और ये इंटीरियर। चलिए तो बंदे के ऊपर सामने देते हैं। ओ भाई यहाँ तो सब कोई पूरा ढोलकपुर देख रहा है। तो भाई ढोलकपुर में कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। इधर देख सकते हैं गाइस पूरा पार्टी चल रहा है, क्रिकेट टीम। और इधर का व्यू देख सकते हैं गाइस अंदर का, काफ़ी सुंदर लुक लग रहा है। ओ
तो गाइस देख सकते हैं ये अंदर का डेकोरेशन बहुत ही प्यारा सजाया गया है, आप लोग देख ही सकते गाइस। हर एक पूरा ढोलकपुर के जितने भी सदस्य हैं सबको बनाया गया है, कार्टून के पूरे प्रारूप को दिखाया गया है। ये रहा गाइस मूर्ति ढोलकपुर का, आप लोग देख ही सकते हैं बहुत ही प्यारा है। जय माँ दुर्गे। केदारनाथ था ये लाल बिल्डिंग, बागवाड़ा लाल बिल्डिंग जो है उस जगह पे केदारनाथ बना है। आप लोग मेरे पीछे व्यू देख सकते हैं गाइस, बहुत ही प्यारा है। और चलिए इसका भी अंदर का इंटीरियर देखते हैं, उसके बाद खाता हूँ। सो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे पेट्रोल पंप, जो बहुत ही पॉपुलर दुर्गा पूजा पंडाल है। और इसका अंदर का व्यू मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं गाइस बहुत ही प्यारा बना है। और ये बागवाड़ा के अंदर आता है, तो चलिए इसके अंदर का इंटीरियर मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। सो गाइस अंदर का इंटीरियर आप लोग देख सकते हैं जिस प्रकार का है, ऊपर में माँ दुर्गा लिखा हुआ है। और इधर देख सकते गाइस गाइज मैं फिर से आ चुका हूँ न्यू टेल्को के एक न्यू पंडाल के साथ। आप लोग देख सकते हैं गाइज ये रहा पंडाल, काफ़ी सुंदर पंडाल है गाइज और बहुत ही बड़ा पंडाल है। तो इसका भी अंदर का इंटीरियर मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही प्यारा है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो गाइज ये भी एक टेल्को का ही पंडाल है। आप लोग तो गाइज़ फिर से आ चुके हैं परीलोक में, आप लोग देख सकते हैं गाइज़ पूरा परीलोक है। और ये टेल्को का एरिया है गाइज़, टेल्को में पंडाल बना है। तो भैया एक बार हाई कर दीजिए। तो देख सकते हैं हम लोग पूरा फुल एंजॉय कर रहे हैं। टेल्को में इतना सारे पंडाल बने हुए हैं गाइज़ कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, दिखा दिखा के मैं थक जा रहा हूँ, इतना पंडाल बने हैं। और देख सकते हैं गाइज़ ये रहा परीलोक का अंदर का कुछ डेकोरेशन इस प्रकार का है, ऊपर में भी है और चारों साइड गाइज़ आप लोग देख सकते हो इधर फ्लावर बना हुआ चारों साइड। और इंटीरियर अंदर का इंटीरियर आप लोग देख सकते हो गाइस कुछ इस प्रकार का है, चारों साइड देख सकते हैं परीलोक बनाया गया है। तो भाई तुमको कैसा लग रहा है परीलोक में आके? अच्छा लग रहा है, बहुत सबसे सुंदर लग रहा है। टेल्को में पंडाल बनाए गए हैं कि हम लोग थक जा रहे हैं देख देख के,
तो अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर टेलको का फिर पंडाल देखने चलेंगे और बाहर का भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए गाइस, आप लोग देख सकते हो बैक कैमरा से कितना सुंदर लग रहा है गाइस, पूरे परिलोक को दर्शाया गया है इस पंडाल में। और ये जो पंडाल है गाइस, आप लोग देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा हिल टॉप स्कूल एरिया टेलको जमशेदपुर गाइस, इस जगह पे ये परिलोक बनाया गया है और काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया गया, आप लोग देख ही सकते हो गाइस, इतना सुंदर लग रहा है, सबसे बेस्ट पंडाल अगर मुझे कहीं लगा तो यही लगता है गाइस। आप लोग भी अगर आ सकते हो देख सकते हो, बहुत ही प्यारा बनाया गया है। टाइम देख सकते हो यार, कितना टाइम हो रहा है, एक बज के 52 मिनट और इतना रात तक हम लोग घूम रहे हैं गाइस अभी भी, इसलिए पंडाल आपको खाली नज़र आ रहा होगा, अभी सब पंडाल खाली हो चुके हैं। फाइनली अब आ चुके हैं हम लोग गोविंदपुर, आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये रहा गोविंदपुर का पंडाल और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है गाइस, आप लोग देख सकते हैं ऊपर में गणेश जी का मूर्ति लगाया हुआ है। और चलिए अंदर का इंटीरियर देखते हैं कैसा है। गाइस आप लोग टाइम देख सकते हो, 3:57 हो गया और अभी तक हम लोग सोया नहीं है। इधर इसका फेस देख सकते हैं गाइस, इसका फेस, बाकी सबका हालत ख़राब है। चलिए अब घर की ओर निकलते हैं कि बहुत टाइम हो गया गाइस, इसलिए खाली लग रहा है पूरा पंडाल, रात का टाइम है गाइस, 3:57 हो रहा है तो इसीलिए पूरा खाली है पंडाल, आप लोग देख ही सकते हैं, हम ही लोग हैं बस।